पैड्स के ऊपर देखिए काफ़ी सारे क्रैक्स पड़ गए हैं, बट ये इन क्रैक से टूटेगा नहीं बैट। तो जहाँ जहाँ भी फेविकॉल की नीड है वहाँ मैं और फिल कर देता हूँ इस फेविकॉल को। इस तरीके से फिल करने से क्या होगा कि ना जहाँ जहाँ इसने जाना है 1 2 3 4 5 6 7 नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित, आप हैं एस एन एन ब्लॉग्स में। दोस्तों आज बड़े स्ट्रेंज तरीके से मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रहा हूं। रीज़न है ये, मेरे पीछे आप देख पाएंगे बैट्स, आप देख पाएंगे काफ़ी सारे बैट्स हैं, ये देखिए रोम्बीडियम टिल ये प्लेन वाला। तो क्या है इन सारे बैट्स की कहानी, मेरा वीडियो पूरा देखिएगा। 7 बैट हैं, 7ों बैट्स की अपनी कहानी है, उनकी प्राइसिंग, उनका पूरा प्रोफाइल वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। So guys, this is my bats. Look at this. These are all 7 bats of mine. BDM, MRF. These 3-4 are plain bat, and this is my Ton Super bat. So a few repairing, like here is a wear and tear. So यहाँ मैंने थोड़ा फेविकॉल डाला है इधर, and जो ये वाला bat है इसमें भी देखिए यहाँ पे थोड़े cracks हैं, तो इनको भी हम fill करेंगे फेविकॉल से। तो ये जो wear and tear है ये आपको देखते रहना चाहिए हमेशा अपने bats पे। बहुत मेजर फेविकॉल तो नहीं, ठंड की वजह से फेविकॉल भी जम गए, तो कुछ इस तरीके से देखिए जहाँ जहाँ पे क्रैक्स हैं बस इसके बाद थोड़ी देर लगा के छोड़ देंगे, और ये जो क्रैक्स है यहाँ से ये फेविकॉल अंदर चला जाएगा अपने आप, और बाकी जो एक्स्ट्रा फेविकॉल है उसको हम पोस देंगे, वो मैं आपको पूरा दिखाऊँगा वीडियो के अंदर। ये लगा दिए मैंने, थोड़े थोड़े क्रैक्स यहाँ पर हैं, ये भी अगर आप देख पाएँ, देखिए यहाँ मैंने डाला था फेविकॉल, इस वाले कट पे आप देख पाएंगे पूरा फेविकॉल भरा था इसके अंदर, एंड ये काफ़ी अंदर चला गया फेविकॉल और बाकी सारा सूख गया है, वो मैंने रिमूव कर दिया। पैड्स के ऊपर देखिए काफ़ी सारे क्रैक्स पड़ गए हैं, बट ये इन क्रैक्स से टूटेगा नहीं बैट। तो जहाँ जहाँ भी फेविकॉल की नीड है वहाँ मैं और फिल कर देता हूँ इस फेविकॉल को। इस तरीके से फिल करने से क्या होगा कि ना जहाँ जहाँ इसने जाना है, जहाँ गैप क्रिएट हो रखा है वहाँ फेविकॉल अपने आप चला जाएगा इसके अंदर, और बाकी फेविकॉल को हम पोस देंगे। तो ये तो हो गए 2 बैट्स, इनको बंद हो गया। बाकी इस बैट के ऊपर अभी ऐसा कोई क्रैक नहीं है इसके, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। ये साइड पे थोड़ा सा मुझे क्रैक दिख रहा है यहाँ पे, इस साइड पे आप देख पाएंगे यहाँ पे। देखिए इस बैट के ऊपर तो अभी काफ़ी काम करना है मुझे, पूरे बैट को रब करना है अभी ऊपर से नीचे तक, ये फ्रंट बैक में, एंड सेम विद दी MRF बैट, इस पर भी एज सच कोई मेजर क्रैक नहीं है। एंड दिस इज दी ओल्डेस्ट बैट वी हैव नाउ, BDM वाला बैट जो है, इसकी कंडीशन कैसी है देखिए, आपको क्रैक नजर आ रहे होंगे BDM बैट्स के ऊपर। ये हमारा बहुत पुराना बैट है, ये बैट कम से कम नहीं भी तो 7 साल पुराना बैट है। ये देखिए आर्मस्ट्रॉन्ग बैट है ये BDM का, इसमें एक बैंड हमने यहाँ लगा रखा है एंड एक बैंड यहाँ बिल्कुल टो में लगा रखा है, दो जगहों में। तो दिस इज दी ओल्डेस्ट बैट वी हैव इन द लाइनअप। देन उसके बाद तो ये वाला बैट है MRF का, दिस इज ऑल्सो वेरी ओल्ड बैट, आप देख पाएंगे सिमिलर कंडीशन है दोनों बैट की, वुड काफ़ी पुराना आपको खुद फील हो रहा है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारे बताऊंगा आपको मैं सारे बैट्स की कहानी। तो ये जो MRF वाला बैट है ये भी इसके बाद, मतलब ये हमने लिया था जिसके साथ के बैट जो और थे वो टूट गए, देन उसके बाद ये वाला बैट है। दिस बैट आल्सो अराउंड, इसको भी 4 या 5 साल से ज़्यादा हो चुके इस बैट को हमारे पास। एंड ये देखिए जो वाइट बॉल्स हम खेलते हैं ना, एक्चुअली क्या होता है जब मॉइस्चर वाला टाइम होता है ग्राउंड्स में, जो कि ये वाला टाइम चल रहा है, मॉइस्चर वाला जो टाइम चल रहा है इसमें ग्राउंड के अंदर नमी होती है और वाइट बॉल से खेलते हैं तो उसके निशान पड़ जाते हैं। एंड अभी हुआ क्या कि इस बैट को कम से कम हमने 1.5 साल से खेला नहीं है इस बैट से, क्योंकि वी हैव फर्दर न्यू बैट्स, तो हम उससे खेल रहे थे। ये दोनों जो बैट हैं ये हमने ऑलमोस्ट एक साथ लिए थे, तो ये दोनों ही बैट अप्रॉक्सीमेट 4 से 5 साल पुराने हैं। सो इन दोनों बैट के बाद ये है USG का बैट, आप ग्रेन चेक कर पाए इस बैट की,
वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट यूएसटी का, 3,500-4,000 की रेंज में। अच्छा मैं आपको प्राइस बता दूँ, ये वाला जो बैट था डेट कॉस्ट अस अराउंड बीडीएम वाला 5,500-5,000 रुपये का, सिमिलर ये दोनों बैट भी सेम थे, एंड ये वाला 3,500-4,000 का बैट है यूएसटी का। देन ये जो बैट है ये है कश्मीरी विलो बैट एसएस मास्टर, ये मैंने खाली नेट प्रैक्टिस के लिए लिया हुआ है। देखिए ये कंडीशन है इसकी, आप इसकी वीडियोस देख रहे हैं जो कि मैंने डाले थे मेरे पिछले कुछ वीडियोस का, अगर आप चेकआउट करेंगे तो इस बैट के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। उसके बाद दिस इज़ माय मेन बैट एसएस कॉन, इसकी आप देखिए प्रोफाइल है मेरी बैट की, ये देखिए ये है बैट, ये भी मैंने कुछ में वेयर एंड टेयर किया है, मैं आपको दिखाऊँगा अभी। ये देखिए बैट बैट है, सी ये है एस एस टॉन सुपर, ये बैट लिया था मैंने 6,000 रुपये का। इस बैट को भी साल से ऊपर हो गए हैं, इसके भी वीडियोस आप मेरे चैनल पे देख पाएंगे। एंड लास्ट में आते हैं ये वाला जो बैट है, ये जो बैट है दैट बैट, ये है इंग्लिश विलो बैट, ये है जीटी स्पोर्ट्स का बैट। देखिए कितनी फाइन ग्रेन्स हैं इनके अंदर, थोड़ी सी टेढ़ी है बट स्टिल नाइस। ये देखिए मैंने इस पर भी थोड़े क्रैक्स थे यहाँ पे, तो ये काम कराया इनके ऊपर क्रैक्स के ऊपर। और ये जो बैट था ये बैट पड़ा था हमें 5,500-5,500 का बैट पड़ा था, एंड ये वाला बैट 6,000 रुपये का। ये तो मैंने 1,000 रुपये का लिया है कश्मीरी विलो बैट फॉर द नेट्स, 3,500-4,000 का बैट ये वाला है, और ये दोनों बैट थे 5,500-5,500 के, और ये भी ऐसी सीरीज का बैट है। दीज आर माई बैट कलेक्शन राइट नाउ, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सो संडे संडे व्हेन आई गॉट टाइम तो मेरे को मैं काफ़ी करता हूँ। देखिए मैंने फेविकॉल लगाया था थोड़ी देर पहले, अब जो ये एक्सेस फेविकॉल है इसको हम रिमूव कर देंगे इस तरीके से, क्योंकि जो मेन फेविकॉल था वो अंदर डिप हो चुका है। इससे इसका पूरा पोज दूंगा मैं भी। सेम गोज विद दिस बैट एस एस टॉन, इसमें भी देखिए आप ये पूरा हो चुका है मेरे हिसाब से काम, थोड़ी देर इसको और सूखने देते हैं उसके बाद ये पूरा पोज देंगे जो एक्स्ट्रा जा रहा है ना ये वाला, ये देखिए हो चुका है वैसे काफ़ी हद तक। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको अच्छा भी लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आपको पता है आपने क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थोड़ी धूप ज़्यादा है, आँख खोलने में दिक्कत हो रही है। सो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, ऐसी कोई इन्फॉर्मेटिव चीज़ आप लाता रहूँगा, तब तक ले दोस्तों साइनिंग ऑफ।